हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे ब्रेड आमलेट। कुछ ही मिनट से बनके तैयार होने वाली रेसिपी है। यहाँ पर हम डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं, सिंपल से तवे पर हम बनाने वाले हैं ब्रेड आमलेट रेसिपी। इसके लिए चाहिए हमें 2 अंडे, 2 ब्रेड, 1 चॉप्ड किया हुआ प्याज, 1 लाल मिर्ची और हरा धनिया। यहाँ पर हमें 2 मसालों की भी ज़रूरत होगी। तो हमने 2 अंडों को अच्छे से क्रैक करके एक बाउल में रख लेना है। और यहाँ पर हम लाल मिर्ची मिलाने वाले हैं। आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा प्याज लिया है, प्याज थोड़ा बारीक चॉप करिएगा, ये इससे पकने में आसानी हो और जल्दी से पक जाए। इस तरीके से हमने यहाँ पिंच ऑफ हल्दी लेनी है। पिंच ऑफ हल्दी 2 अंडे में काफ़ी होती है, ज़्यादा करने पर कड़वा बना सकता है, तो पिंच ऑफ हल्दी काफ़ी होती है। स्वाद अनुसार नमक लेना है और चम्मच की मदद से अच्छे से फेंट लेना है। चम्मच से दिक्कत आए तो विस्कर की हेल्प ले लीजिएगा या फॉक की हेल्प ले लीजिएगा और अच्छे से इसे फेंट लेना है। यहाँ मैंने लोहे का तवा लिया है तो हम इसे थोड़ा सा नॉन स्टिक बनाने वाले हैं। तो ऑयल से अच्छे से नॉन स्टिक बना के तैयार कर लिया है इसे। और यहाँ पर हम हमारा बैटर इसमें फैलाने वाले हैं। थोड़ा सा ज़्यादा फैला देंगे तो 2 अंडे से काफ़ी बड़ा आमलेट बन के रेडी होता है। आमलेट जैसी रेसिपी है ये, तो बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से इसको फैला लेना है। आप चाहते हैं तो और थोड़ा बड़ा इसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेड रख लिया है और इस तरीके से हमने इसको इसके ऊपर लपेटना है, जैसे हम पराठा बनाते हैं बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पर हम विदाउट डीप फ्राई करे हुए ब्रेड आमलेट पकौड़ा बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं साइड में इस तरीके से आपको दिखेगा, जैसे ये पकौड़ा ब्रेड पकौड़ा बनता है ना, बिल्कुल उस तरीके से दिखने वाला है आपको ये जब भी बन के रेडी होगा फाइनल टच इसका। इस तरीके से हमें इसके चारों कोनों अच्छे से दबा लेने हैं और इसको पलट देना है। 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे हमने इसे नहीं पकाना है। थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर हो जाए तो ये पककर रेडी है। इस तरीके से इसे अच्छे से पका लेना है हमने। आप देख सकते हैं इस साइड से इस तरीके से डार्क ब्राउन कलर कर लेना है। आपको ये कलर पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप हल्का सा इसी कलर में रख सकते हैं। आपको जिस कलर में पसंद हो इस तरीके से बना के तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही झटपट से बनकर तैयार है, यूनिक सी रेसिपी। जब भी भूख लगी हो इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सबको बहुत पसंद आती है। चल रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसी झटपट सी रेसिपी बनाकर तैयार करती हूँ। देखने के लिए आपका धन्यवाद।